एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, सो हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहली बात, बुक निकालना है, टेक्स्ट बुक निकालना है, पेंसिल निकालनी है, ये सब निकाल के आपको पहले बैठना है। चलो बैग ओपन करो, निकालो टेक्स्ट बुक निकालो। हाँ, टेक्स्ट बुक पता है आप सभी को कौन सा है। हाँ, और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, ठीक है ना। उसमें से आपके बहुत से टॉपिक हो गए हैं, कुछ टॉपिक रिमेन है। ओके, सो मैं एक बार रिवाइज करके देती हूँ आपको कि कौन से टॉपिक आपके हो गए हैं। पहला टॉपिक आपका हो गया एडिशन, देयर प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका? एडिशन टू डिजिट नंबर। ओके, देन एडिशन टू डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, ये टॉपिक भी आपका हो गया है। अभी आज का टॉपिक क्या है हमारा? और नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी उसके बाद का हमारा टॉपिक कौन सा है? सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग, है ना। सब्सट्रैक्शन आपने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, और सिंपल उसके एग्जांपल भी मैंने आपको उसके बताए थे, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग, ये आज का आपका टॉपिक है। सेम उसी पेज नंबर पे है, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के ही पेज नंबर पे नीचे का आपका टॉपिक है। सो पहले पेज नंबर 33 ओपन करो, दिख रहा है यहाँ से आपको? पेज नंबर 32 ओपन करो, 33। देन सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के नीचे का टॉपिक आपका आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करें टॉपिक। ओके, सो पेंसिल ले ली आपने सभी ने, बुक्स ओपन किए। ओके, सो पहली बार मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आपको इधर भी ध्यान देना है और अपने बुक में भी ध्यान देना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। नाउ मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी है आपके टॉपिक के नीचे है, वो रीड करते हैं और वो हम समझ के लेते हैं, ठीक है। सो वी क्रॉस आउट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर टू सब्सट्रैक्ट, मींस क्या? आपको क्या करना है? क्रॉस आउट करना है स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर। बिगर नंबर से आपको स्मॉलर नंबर को क्रॉस आउट करना है, यानी कि देखो सब्सट्रैक्शन की सिंपली वे हमारी क्या है, बिग नंबर से हम स्मॉल नंबर को कट कर देते हैं, है कि नहीं? ऐसा ही हम करते हैं सब्सट्रैक्शन करते वक्त, है ना। तो वैसे ही आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या है? वी मीन्स आपको क्रॉस आउट करना है स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से, देन उसे हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई? फिर से बता रही हूँ, बिगर नंबर से आपको स्मॉलर नंबर को क्रॉस आउट करना है, ठीक है। पहली लाइन समझ में आ गई सभी को? अभी नेक्स्ट, दिस इज साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन, वी काउंट बैकवर्ड्स टू सब्सट्रैक्ट। अभी हमें साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन को सभी को पता है कि सब्सट्रैक्शन का साइन क्या है कि नहीं? जब अगर हम साइन को ही देखते हैं तभी हमें सब्सट्रैक्शन पता चलता है, या एडिशन है या सब्सट्रैक्शन, साइन को डिनोट करते हैं तभी हमें पता चलता है ना। सो साइन हमारा क्या है सब्सट्रैक्शन का? यस, माइनस साइन है हमारे सब्सट्रैक्शन का। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट, अभी हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आपको वैल्यू दी गई है उसके साथ आपको सब्सट्रैक्शन करना है। मैंने एडिशन प्रॉपर्टीज में आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी और तो वो 3 प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हमें ये सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, सो आपको वैल्यू दी गई, कौन सी दी गई है? सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 78 टू डू दिस, स्टार्ट एट 78 एंड काउंट 5 नंबर बैकवर्ड। अभी समझ में लो कि ये हमें कैसे करना है। पहले आपको कौन सा नंबर दिया है? 5 फ्रॉम 78, मीन्स
78 में से आपको 5 को क्रॉस आउट करना है, मीन्स 78 में से 5 को माइनस करना है। समझ में आई बात मेरी? ओके, सो बैकवर्ड काउंटिंग करके हम कैसे सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने नंबर ड्रॉ किया, सॉरी नंबर लिखे हैं, है ना, एक सीरीज में मैंने यहाँ पे नंबर राइट किए। सेम आपके टेक्स्ट बुक में यही नंबर आपको दिए हुए हैं, ये वहाँ पे भी आप देखो और यहाँ पे भी देखो। ओके, सो यहाँ पे मैंने नंबर ड्रॉ किए, तो पहले हमें ध्यान कहाँ पे देना है कि हमें वैल्यू क्या दी है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 78, 78 में से आपको 5 को माइनस करना है। देखो एडिशन प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, फॉरवर्ड काउंटिंग देखी थी, है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग करके हमने एडिशन सॉल्व की थी ना। अभी हमें क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करके हमें सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ये हिंट याद रखो कि फॉरवर्ड काउंटिंग करके हम एडिशन सॉल्व कर सकते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग करके हम सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। समझ में आया सभी को? रिपीट करूँ? ओके, सो क्या करके हमें एडिशन सॉल्व करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग करके हमें एडिशन सॉल्व करनी है और बैकवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, बैकवर्ड मीन्स पीछे जाना, है कि नहीं। एडिशन मीन्स आपके सभी टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू हमें एडिशन सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, है कि नहीं। अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड ये भी आपको रिलेटेड है सभी टॉपिक के साथ, मीन्स फॉरवर्ड करते हैं तब आप कुछ नंबर्स बढ़ के आगे चले जाते हो, है कि नहीं। अभी हमें बैकवर्ड जाना है तो हमें पीछे जाना है नंबर के, है ना, मीन्स सब्स्ट्रैक्शन में हमें अभी यही करके देखना है। सो स्टार्ट करें हम ये। ओके, सो 78 माइनस 5 करना है हम, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 78 को हमें काउंट करना पड़ेगा। सो आपको 78 यहाँ पे दिख रहा है 78। ओके, सो 78 में से हमें किसको माइनस करना है, कितने नंबर को माइनस करना है, 5 नंबर को, इसलिए हमें 5 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, है ना। मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मैं 5 स्टेप पीछे जा रही हूँ, देखो 1, 2, 3, 4 and 5, मैंने 5 स्टेप पीछे चली गई। अभी मैंने बोला होता कि फॉरवर्ड काउंटिंग कर, तो मैं 5 स्टेप आगे चले जाते, जैसे 1, 2, 3, 4 and 5, अभी मैं पीछे जाना है मुझे, कैसे, 1, 2, 3, 4 and 5, बैकवर्ड, हमें बैकवर्ड काउंटिंग कर रही हूँ, है कि नहीं। सो वैसे ही हमें नंबर की भी काउंटिंग करनी है। ओके, चलो करके देखते हैं। सो हमारा स्टार्ट कहाँ से करना है, 78 में से हमें 5 को माइनस करना है। सो पहले 78 को हम पकड़ लेते हैं, है ना, यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे 78 दिख रहा है सभी को, तो यहाँ से आपकी बैकवर्ड काउंटिंग चालू होगी, है कि नहीं। सो करके देखते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। नंबर 1 कितने माइनस करने हैं, 5, सो 5 स्टेप हमें पीछे जाना पड़ेगा, है ना, 5 स्टेप हमें पीछे जाना पड़ेगा। सो मैं पीछे जा रही हूँ, ये आगे की रो और ये पीछे, इधर से हम पीछे आते हैं और इधर से हम आगे चले जाते हैं, है कि नहीं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन रिपीट आना मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो दैट इज नंबर 1 स्टेप हम पीछे आ गए, इसको नंबर देते हैं हम 1। देन इसी से नंबर 2 पीछे आ रहे हैं हम, नंबर 2 अगेन 1 स्टेप पीछे आ रहे हैं, देन यहाँ से फिर से 1 स्टेप पीछे आ रहे हैं नंबर 3, देन अगेन यहाँ से 1 स्टेप पीछे आ रहे हैं नंबर 4, देन अगेन पीछे आ रहे हैं यानी कि नंबर 5। सो कितनी स्टेप हम पीछे आए बच्चों, 1, 2, 3, 4 and 5 स्टेप हम पीछे आए, यानी कि 78 में से मैंने कितने माइनस किए नंबर, 5 नंबर माइनस किए ना, 78 में से 5 नंबर को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, यानी कि 5 स्टेप में पीछे आ गई, होगी मेरी बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है यहाँ पे, है ना, एडिशन में हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की थी, मीन्स इधर से इधर ऐसे ऐसे आगे आगे चले गए थे हम, अभी सब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना, यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं।
सो समझ में आ रहा है बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स क्या होता है? पीछे आना। और फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स क्या होता है? आगे जाना। और फॉरवर्ड काउंटिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? एडिशन में। और सब्सट्रैक्शन में हम बैकवर्ड काउंटिंग यूज करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो क्या किया फिर हमने? 5 स्टेप हम पीछे आ गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ फिर? 78 - 5 = 73 हमारा आंसर आया। जब हम 5 स्टेप पीछे आए तो लास्ट स्टेप हमारी कौन सी थी? 73। ये स्टेप हमारी लास्ट थी, मीन्स 78 - 5 = 73। ओके, नाउ ने 73 इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ 78 and 5। मीन्स आपको बैकवर्ड काउंटिंग में ये समझ में आया कि हमने बैकवर्ड काउंटिंग कैसे की? बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स पीछे जा गए हम, 1 स्टेप पीछे गए। सो एक एग्जांपल भी हमने वहाँ पे सॉल्व किया, 78 - 5, है ना? ये उंगलियां काउंट करना, लाइन काउंट करना, इससे अच्छा तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होगी तो हमें ये लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा आपको? आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर आपको 1 to 100 तक नंबर आते हैं, आपको 71 to 80 तक के बीच के नंबर भी आते हैं, यानी कि 71, 72, 73, 74 ये नंबर लाइन भी आपको आती है। अगर ये नंबर लाइन आपके दिमाग में बैठी हुई है तो आप उसमें से ही आप नंबर बैकवर्ड काउंटिंग करके आप सॉल्व कर सकते हो सब्सट्रैक्शन, है कि नहीं? ईजी है ना? ओके, सो ये आपको समझ में आया? हाँ, अभी इसमें ही हम वन मोर टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसमें भी क्या है, उसके नीचे का ही टॉपिक है। ये टॉपिक आप सबको समझ में आया? आया ना सभी को ये टॉपिक समझ में आया? ओके, सो उसमें से ही वन मोर टॉपिक है, 2 digit सब्सट्रैक्टिंग 2 digit नंबर, वो टॉपिक हम अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सट्रैक्शन 2 digit नंबर। ओके, सो आपको वर्कबुक में भी ध्यान देना है, उसके नीचे ही है, ठीक है? सो लेट अस रिकॉल वर्टिकल सब्सट्रैक्शन। क्या करना है? वर्टिकल सब्सट्रैक्शन अभी हमें देखना है। सो आपको यहाँ पे एक वन मोर प्रॉब्लम दिया गया है, सब्सट्रैक्ट 40 and 79। क्या दिया गया है? 40 and 79, है ना? अभी हमने बैकवर्ड काउंटिंग करके ये सब्सट्रैक्शन सॉल्व किया था। ओके, सो वैसे ही आपको अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल दिए हैं, यानी कि कितने नंबर वाले हैं? 2 digit नंबर वाले आपको सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम दिए हैं। सो वन प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ, देन उसके बाद एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है होमवर्क में। ओके, सो मैं कुछ वन मोर एग्जांपल लूँगी आपको समझने के लिए, पहले हम ये स्टेप बाय स्टेप कैसे सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, नाउ स्टेप वन हमारी क्या है? सब्सट्रैक्ट द नंबर अंडर वंस, है ना? ये हमारा रूल ही है कि पहले वन से हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है, देन टेंस देन हंड्रेड्स। ओके, सो पहले हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट द नंबर अंडर वंस। सो वन अंडर वंस में क्या आएगा फिर? 9 - 4। क्या आएगा फिर? 9 - 4। उसके बाद हम काउंटिंग करके आया, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर लिखा है, लेकिन हमें काउंटिंग करके भी देखनी है कि क्या आंसर रियल में वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली दी गई है, तो अंडर वंस आपके क्या नंबर आएंगे? 9 आएगा वंस, और 4 वंस की प्लेस पे आएगा, ठीक है? देन स्टेप 2 क्या है हमारी? सब्सट्रैक्ट द नंबर अंडर टेंस, 7 - 1 = 6। ये वंस की टेंस की प्लेस पे है, क्या है? 7 टेंस की प्लेस पे, 1 भी टेंस की प्लेस पे, इसीलिए पहला रूल क्या है हमारा? सब्सट्रैक्ट द नंबर अंडर वंस, मीन्स पहले वंस की जगह पे सब्सट्रैक्शन सॉल्व करनी है, देन पहले उसे वंस की जगह पे जो डिजिट है वो हमें राइट करने हैं, देन उसको सॉल्व करना है। देन अगेन स्टेप क्या है? सब्सट्रैक्ट द नंबर अंडर टेंस, देन वो डिजिट जहाँ पे टेंस की प्लेस है वहाँ पे उनको राइट करना है, देन उसको सॉल्व करना है। ओके, सो ये वन प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं, वन मोर में लूँगी, एक्सरसाइज में से लूँगी, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है?
पहले हम ये सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 4, चलो बैकवर्ड काउंटिंग करो, चलो 4 स्टेप पीछे आ जाओ। अभी 1 to 10 तक टेबल, सॉरी आपको नंबर आते हैं, 1 to 10 तक नंबर आते हैं ना, वो पूरी सीरीज आपको आती है कि नहीं। अभी वो माइंड में अपने रिकॉल करो, अपने माइंड में उस सीरीज को रिकॉल करो। मींस क्या करना है, 9 में से हमें 4 को माइनस करना है, तो 9 के स्टेप से हमें कितने स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, 4 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि 4 स्टेप पीछे जाओ, चलो 1, 2, 3 एंड 4, कहाँ पे आके रुकते हैं हम बताओ। 4 स्टेप जब पीछे जाते हैं, 9 के नंबर में से 4 स्टेप पीछे जाते हैं, है कि नहीं। तो कहाँ पे आके रुकते हैं, 9, 8, 7, 4 एंड 5, है ना। 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5 स्टेप पीछे आए हम, यानी कि हमारा आंसर क्या आता है फिर, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 5 को राइट करेंगे। देन नेक्स्ट, अभी टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उनको सॉल्व करते हैं। सो 7 माइनस 1, ओनली 1 स्टेप आपको पीछे जाना है। 7 की 1 स्टेप पीछे जाओ तो क्या आता है हमारा, 6। 7 के बाद 6 आता है जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे फिर, 6। सो नाउ द आंसर इज 79 माइनस 40 इज इक्वल टू 65, आपका आंसर आता है। ओके, सो ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको। अभी वन मोर एग्जांपल लेते हैं। चलो आपके वर्कबुक में से, सॉरी टेक्स्ट बुक में से ही एग्जाम पेज नंबर 34 ओपन करो। 34 में आपको एक्सरसाइज दी हुई है ना, एक्सरसाइज दी हुई है। पहले क्या है आपका, फिल इन द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वेल, ये आपको सॉल्व करना है। ये क्या है हमारा साइन, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का और यहाँ पे बीच में माइनस का दिया हुआ है, तो आपको इस साइकिल को सॉल्व करना है, सॉरी व्हीकल को, वेल्स को सॉल्व करना है। ओके, देन अभी हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है, काउंट बैकवर्ड एंड सब्सट्रैक्ट। पहला नंबर है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट बैकवर्ड एंड सब्सट्रैक्ट। वहाँ पे आपको कितने प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 9 प्रॉब्लम दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से 1 प्रॉब्लम मैं लेती हूँ, ठीक है ना। क्या है पहला प्रॉब्लम, 96 माइनस 4। क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है आपको, बैकवर्ड काउंटिंग का यूज करके सब्सट्रैक्शन सॉल्व करनी है। वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है काउंट बैकवर्ड एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, सो हमें अभी यहाँ पे कौन सी सीरीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या है नंबर, 96 है, सो हमें 9 to 100 तक सीरीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखती हूँ, 91 से लेकर 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 हो गई हमारी ये पूरी सीरीज, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। सो 96 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यस यहाँ पे दिख रहा है 96, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो हमें 96 से हमें पीछे आना है, बैकवर्ड काउंटिंग करके हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। सो स्टेप 1, पीछे आए हम 95 में। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। सो आंसर इज 96 माइनस 4 इज इक्वल टू 92। समझ में आया ये प्रॉब्लम, 96 माइनस 4 इज इक्वल टू 92। क्यों आया, क्योंकि हमने जब बैकवर्ड काउंटिंग सॉल्व की तो हमारा लास्ट स्टेप 92 पे आके रुक गया।
है ना, फोर ही हमें माइनस करने थे, इसलिए हम फोर स्टेप पीछे आए, है कि नहीं। सो हमारा आंसर क्या है फिर, 92 ये हमारा आंसर आया। ओके, ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम बैकवर्ड काउंटिंग का। सो देन वैसे ही आपको ये बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, ये आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज कॉन्सिलेशन की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट है सबस्ट्रैक्ट, देन क्वेश्चन नंबर 2 है सबस्ट्रैक्ट। सो सबस्ट्रैक्ट का पहला प्रॉब्लम लेती हूँ मैं, टेंस वंस दिया हुआ है, पहला ही ले रही हूँ। पहले प्रॉब्लम में क्या है, 76 माइनस 2 करना है। सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चलो 6 माइनस 2, चलो 4 स्टेप पीछे जाओ, 2 स्टेप पीछे जाओ, यस 2 स्टेप पीछे गए तो 6, 6, 5 एंड 4, 2 स्टेप हम पीछे गए, 6, 5 एंड 4, यानी कि कहाँ पे आके रुके आप, 4 पे आके रुक के, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ फिर, 4। यहाँ पे कोई नहीं है, मीन्स क्या है, 0 है, तो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। सो ना 76 माइनस 2 इज इक्वल टू 74। ओके, आपको समझ में आया ये प्रॉब्लम, वैसे ही आपको ये एक आपका होमवर्क है आज का एक्सरसाइज, ये पेज नंबर 34 पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको सॉल्व करनी है। फिर से पेज नंबर बता रही हूँ, 34 पेज नंबर, ओके, वो आपको सॉल्व करना है। ये टॉपिक 2 टॉपिक आज हमने देखे, है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग एंड सब्सट्रैक्शन टू डिजिट नंबर। देन टुमारो हमारा टॉपिक कौन सा होगा, सब्सट्रैक्शन टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। ये एक्सरसाइज सॉल्व करके रखो वो, और वो नेक्स्ट टॉपिक आप रीड करके भी रखो, ठीक है। थैंक यू।